Hello guys, welcome back to lecture series where we are discussing about software engineering. This is for SYBACIT semester 4. My name is Professor Tiruk Parmar. Now, in last lecture we are already done discussing about, if you see the syllabus, ye unit 1 ka syllabus hai jahan pe hum logon ne upar ke itne jo topics hai ye hum logon ne complete kar liye. Last jo char video maine upload kiye the usme. So today we'll be starting with this particular part. Let's start software development process models. You see, this is the topic which we are going to start with. तो बहुत सारे जब हम लोग softwares बनाते हैं तो वो software develop करने के लिए भी use different models. जिसमें से अगर आप एक देखोगे वो है prototyping model, spiral model होता है, then waterfall model होता है. ये हम लोगों को आगे कहीं ना कहीं काम में आएंगे जो मैंने यहाँ पे डाला है. So हम लोग one by one start करते हैं इसको discuss करने का. नाउ वन मोर थिंग, ये जो भी नोट्स है या मैं बाकी के भी जो एस वाई स्पेसिफिक जो नोट्स, प्रैक्टिकल वीडियोज़ और जो भी मटीरियल मैं बनाऊँगा वो आप अभी डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग इट अगेन एंड अगेन ऑन डिफरेंट ड्राइव्स, बिकॉज लिमिटेड स्पेस ही मिलता है ड्राइव पे, तो बार बार मुझे वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है, बहुत सारे ज़्यादा मटेरियल हो जाते हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन जस्ट डायरेक्टली अपलोड इट ऑन दिस टेलीग्राम. टेलीग्राम एक ऐप आता है जो आप कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हो और मोबाइल में भी. और इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जब भी ये ग्रुप को ज्वाइन करोगे, आप उसके पहले मैंने जो भी कुछ शेयर किया है ग्रुप पे वो सब कुछ आपको बहुत इजीली यहाँ पे अवेलेबल रहेगा. तो व्हाट्सएप ग्रुप जैसा नहीं है कि अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो उसके पहले क्या डिस्कशन हुआ है या क्या मैंने शेयर किया है वो आपको नहीं मिलेगा. सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा. सो ये उसका बेनिफिट है. और हम लोग बड़े सॉफ्टवेयर से लेके हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत ईजिली शेयर कर सकते हैं और उसका डेटाबेस भी ईजिली मेंटेन होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद आर टॉपिक. सो यहाँ पे आपको बेसिक थियरी थोड़ा दिया है मैंने. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ गोल टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, है ना. तो जब भी आपको एक कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए हम लोग ऐसे कोई ना कोई एक मॉडल्स फॉलो करेंगे. प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है कि एक डमी मॉडल, प्रोटोटाइप बनाना, और जिसके बेस के ऊपर फिर हम लोग रियल मॉडल बनाएंगे. स्पाइरल मॉडल, जैसे आप देखोगे कि कोई एक चीज जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, फिर उसमें हम लोग और इंक्रीमेंट करते जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल मॉडल बोलते हैं, है ना. और वाटरफॉल मॉडल, जब भी आपको कुछ स्क्रैच से चालू करना है, बनाना है ना, तो वो टाइम पे हम लोग ये वाटरफॉल मॉडल फॉलो करते हैं, जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, मेंटेनेंस, है ना. हम लोगों ने ये जो है जो यूनिट का हम लोगों का फर्स्ट पार्ट था उसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स है उनका फोकस क्या रहता है, एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना. ये सबसे ज्यादा एम्फसाइज जो करते हैं वो करते हैं क्या एक्टिविटीज आप डायरेक्टली फॉलो करोगे एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए. जैसे डिजाइन करेंगे हम लोग, कोड करेंगे, है ना. डिजाइन के बेस के ऊपर कोडिंग होगा, उसके बेस के ऊपर क्या होगा, टेस्टिंग होगा. अभी जैसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं ना, वैसे आपको उसको बनाने का वे भी बहुत बार चेंज करना पड़ता है. वो ही आपको यहाँ पे सीखना है. और कौन से वे में हम लोग ये सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस डिफाइंस टास्क द प्रोजेक्ट शुड परफॉर्म, है ना, एंड द ऑर्डर इन विच दे शुड बी डन. कौन से टास्क आपको परफॉर्म करने, एक बड़े से प्रोजेक्ट को हम लोग एक साथ नहीं बना सकते. मैंने आपको पहले भी सिखाया था इटरेटिव, मतलब आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी के पार्ट में भी. तो एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर अगर हैगा, एक साथ उसको बनाने के बदले हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये जो छोटा छोटा पार्ट है ना उसको वन बाय वन हम लोग डेवलप करते हैं. तो इसको हम लोग मॉड्यूलर अप्रोच बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे मॉडल्स को वन बाय वन डेवलप करते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, फर्स्ट विल स्टार्ट विद वाटरफॉल मॉडल. अभी आपने अपने कॉलेज में, है ना, अलग अलग डायग्राम्स देखे रहेंगे. ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए डायग्राम रखा है. आप अगर एग्जाम में याद रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो आपने स्टैंडर्ड डायग्राम देखा रहेगा वो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है. आप अगर देखेंगे यहाँ पे, दिस इज द डायग्राम जो आपको फॉलो करना है ना. ऐसा कुछ डायग्राम आपने देखा रहेगा जहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, डिजाइन की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, है ना. ये पर्टिकुलर पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं. तो आप अगर देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये हम लोगों ने, ये वाला डायग्राम आपको ऑलरेडी बनाना है, लेकिन अगर आप ज़्यादा थियोरी पढ़े बिना, अगर एक ब्रॉड अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए वाटरफॉल का, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. ये अगर आपने समझ लिया ना, तो आपका मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. देखिए यहाँ पे हम लोग को दो वर्ड समझने, एक होता है वैलिडेशन और एक होता है वेरिफिकेशन.
अभी वैलिडेशन वेरिफिकेशन पैटर्न क्या होता है कैसे होता है ये समझते हैं। वैलिडेशन मतलब कुछ चीज़ सिंटेक्टिकली करेक्ट होना चाहिए, वेरिफिकेशन एक कुछ चीज़ आपने ले तो लिया फिर अभी वो करेक्ट है कि नहीं है ना, वो भी आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन अप फॉर्म फिल करता हूँ कोई एक साइट पे जाके, तो वहाँ पे जब भी मैं यूज़र आईडी सॉरी ईमेल साइन अप के टाइम पे अगर मैं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एंटर करूँगा मेरा, तो वहाँ पे वो वैलिडेट करेगा, चेक करेगा कि अगर मैं मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ तो डिजिट्स ही होने चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं 10 से कम भी नहीं, बराबर है। और ईमेल आईडी जो है वहाँ पे थोड़े कुछ लेटर्स के बाद एट द रेट आना चाहिए, लास्ट में डोमेन नेम आना चाहिए .com.in.org.edu समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं abc@xyz.com लिखता हूँ तो ये जो है वो वैलिडेशन वैलिडिटी वाइज करेक्ट होगा, है ना, सिंटेक्टिकली करेक्ट है, लेकिन ऐसा कोई ईमेल आईडी नहीं हो सकता। सेम अगर मोबाइल नंबर मेरे पास डिमांड किया है, मैं अगर 123456 ऐसे अगर 10 डिजिट एंटर करता हूँ तो भी वो प्रॉपर हो गया, वैलिडेशन करेक्ट हो गया, लेकिन वेरिफिकेशन कैसे होगा? साइन अप के टाइम पे जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दिया है उसके ऊपर हम लोग ओटीपी या वेरिफिकेशन लिंक सेंड करेंगे। अगर आपने दिया हुआ नंबर अगर करेक्ट है तो वो लिंक आपको मिलेगा, आप उसके थ्रू अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो, एल्स यू कैन नॉट लॉगिन और एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आई होप वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन डिफरेंस समझा। सबसे पहले होता है सिस्टम फिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग वैलिडेट करेंगे, मतलब टेक्निकली कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना फिजिबल है कि नहीं। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो कंपनी आपको कितना बजट है उनका और क्या लेवल का उनको सॉफ्टवेयर बनाना है, आपके पास क्या टीम है, आपके पास कितने रिसोर्सेस है, और ये सब कंसिडर करके जो टाइम वो बता रहे उतने टाइम में आपको ये प्रोजेक्ट बनाना पॉसिबल होगा या नहीं होगा, या जो टाइप का सॉफ्टवेयर जो टाइप के फीचर्स उनको चाहिए उतने सारे सॉफ्टवेयर या फीचर्स आप बना पाओगे कि नहीं विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, या पॉसिबल है कि नहीं वो भी आपको यहाँ पे देखना है। तो ये सब कुछ चीज़ें आता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। अगर फिजिबिलिटी स्टडी अगर प्रॉपर है ना, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है उसके रिक्वायरमेंट आपने जो गैदर किए हैं अभी उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, समझेंगे, और उसके बेस के ऊपर आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना चालू करना है, कितना टाइम लगेगा, पहले कौन सा पार्ट बनाएंगे बाद में कौन सा पार्ट बनाएंगे, ऐसे ये सारे प्लानिंग करते हैं, और उसको भी हम लोग वैलिडेट करेंगे कि टेक्निकली प्रॉपर जा रहे हैं कि नहीं। फिर इसका जो डॉक्यूमेंट है वो हम लोग सेंड करते हैं अपने डिजाइनर को, और ये जो क्या है ये सिस्टम डिजाइनर है, ये क्या करेगा, एक प्रॉपर सा ओवरऑल स्ट्रक्चर एक लेआउट बना के देगा, ब्लूप्रिंट समझ लो आपके सॉफ्टवेयर का, जिसको आपको वेरीफाई करना है। किससे वेरीफाई करना है, हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट गैदर किया था उससे आपको वेरीफाई भी कर लेना है कि ये जो है हम लोग का सिस्टम डिजाइन वो प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद हम लोग सिस्टम डिजाइन में इतना ये बताएगा कितने मॉड्यूल्स रहेंगे और हर एक मॉड्यूल जो है वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो अभी आपको डिटेल डिजाइन मतलब यहाँ पे बता तो दिया है सिस्टम डिजाइन में कि चलो 10 मॉड्यूल्स रहेंगे, तो अभी आपको डिटेल डिजाइन में क्या करना है, वो जो 10 मॉड्यूल्स है ये 10 मॉड्यूल्स को आपको डिटेल में उसका ईआर डायग्राम डीएफडी डायग्राम फ्लो चार्ट ये सब बनाना है, और उसके बाद ये डिजाइन जो हम लोग को मिलेंगे एक सिंगल सिंगल मॉड्यूल के, उसके बेस के ऊपर हम लोग वो मॉड्यूल्स को क्या करेंगे, कोड करेंगे। फिर आपको वो कोड को भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। अभी ये जो भी कोड बने प्रोग्राम्स बने उसको हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, है ना, और डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े है, और इंटीग्रेशन भी आता है। याद रखें इंटीग्रेशन क्या होता है, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे हम लोग, और ये टेस्टिंग का एंड इंटीग्रेशन का जो भी रिपोर्ट है टेस्ट रिपोर्ट वो हम लोग देंगे, वो हम लोग यूज करेंगे कभी वाइल इंस्टॉलेशन। कहाँ पे इंस्टॉल करना है आपको, क्लाइंट साइड पे, है ना, उनके मशीन्स पे इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉलेशन का क्या रिपोर्ट आया वो हम लोग आगे सेंड कर देंगे, क्या काम के लिए, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन वर्क के लिए, सो दैट प्रॉपर सॉफ्टवेयर चल रहा है कि नहीं, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, है ना, ये सब हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका बहुत प्रॉपर टेक्निकल वे अगर आपको समझ में आए तो ये हम लोग का वाटरफॉल मॉडल होता है, और एक बहुत वे या समझ लीजिए कि बहुत बेसिक सा अगर किसी को समझाना है तो ये हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक डायग्राम याद रख सकते हैं, जहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट एनालाइज किया, डिज़ाइन बनाया, मेंटेन इम्प्लीमेंट किया, वो डिज़ाइन के बेस के ऊपर कोडिंग किया, मतलब टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, और लास्ट में क्या होगा, मेंटेनेंस पार्ट चलता है। ये बहुत बेसिक सा पार्ट है जो आपने शायद कॉलेज में भी यही पढ़ा रहेगा, और ये जो है ये वाटरफॉल का डेफिनेशन है, तो ये आपको रट्टा मारना है, याद रखिए। अभी हम लोग समझते हैं उसके ये जो टाइप्स दिए हुए हैं ना नीचे वन बाय वन वो पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, जब हम लोग वाटरफॉल की बात करते हैं तो
सिक्वेंशियल फेजेस कौन से कौन से रहेंगे? अभी याद रखो, ये जितने भी आगे हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे ना, ये सारे मॉडल्स में आपको एक सेम टाइप ऑफ पॉइंट्स वापस वापस रिपीट करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, ये जब भी हम लोगों ने SDLC पढ़ा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है ना, SDLC पढ़ा था, लाइफ साइकिल, वो टाइम पे भी हम लोगों ने ऐसे सारे पॉइंट्स पढ़े थे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है, देन सिस्टम डिजाइन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग क्या होगा, डिप्लॉयमेंट क्या होगा एंड मेंटेनेंस क्या होगा। तो आपको एक ही बार ये पॉइंट्स पढ़ने हैं, आगे वाले बहुत सारे मॉड्यूल्स में सेम पॉइंट्स हम लोग रीयूज करेंगे, तो आपको बहुत कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वॉटरफॉल में आपको क्या याद रखना है, ऊपर वाला जो मैंने डायग्राम सिखाया उसका डेफिनेशन, बाकी ये जो स्टेप्स है ये सेम हम लोगों ने यूनिट वन में जो स्टार्टिंग में SDLC वाला पार्ट पढ़ा उसके जो फेजेस पढ़े वो सेम आप यहाँ पे लिख दो, प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशंस, ये उसके क्या रहेंगे, कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं या कहाँ पे वो रिक्वायर्ड रहेगा। देखिए क्या बोला है, एवरी सॉफ्टवेयर इज अ डिफरेंट एंड रिक्वायर्स अ सूटेबल SDLC अप्रोच। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अलग अलग रहेगा बेस्ड ऑन और टाइप ऑफ योर सॉफ्टवेयर टू बी फॉलोड, है ना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अलग अलग रहेंगे। सिचुएशंस वेयर द यूज ऑफ वॉटरफॉल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट आर वेरी डॉक्यूमेंटेड एंड क्लियरली फिक्स। बहुत बार ऐसे सॉफ्टवेयर हम लोग को बनाने पड़ते हैं जहाँ पे आपके पास क्लियर रिक्वायरमेंट नहीं रहते हैं, तो वो टाइम पे ये प्रॉब्लम देता है। तो अगर आपके पास क्लियर रिक्वायरमेंट है, पहले से बोल दिया है कि चलो हम लोग को एक वेबसाइट बनाना है और वो वेबसाइट के ऊपर इतने फीचर्स होने चाहिए, खत्म, तो टाइम पे हम लोग इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। उसके आगे प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल, है ना, बार बार कुछ बड़े चेंजेस नहीं होंगे उसमें। उसके आगे टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड, और वहाँ पे कुछ ज़्यादा डायनेमिक चीज़ें आपको ऐड नहीं करना है। एम्बिग्यूटी नहीं है, एम्बिग्यूस रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मतलब कन्फ्यूजन नहीं है कि ये वाला फीचर ऐड करना है, ये वाला फीचर ऐड करना है, ये वर्क करेगा वो वर्क करेगा। और उसके साथ आपके पास एम्पल ऑफ रिसोर्सेज जो चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट लोग भी है और जितने रिसोर्सेज रिक्वायर चाहिए वो भी है, एंड प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी छोटा सा है, तो वो टाइम पे हम लोग डायरेक्टली किसको फॉलो करेंगे, वाटरफॉल मॉडल को। ये उसके एप्लीकेशंस होते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या रहेंगे, ऊपर देखो यहाँ पे दिया है ना, बेसिक हम लोग एक ही बार शेड्यूल बना के, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी टू मैनेज है ना, बराबर है, बिकॉज रिजिड मॉडल है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते। एक बार अगर आपने सीख लिया तो आपको डेफिनेटली पता रहेगा कि अगर रिक्वायरमेंट गैदर हुआ उसके बाद क्या होगा, डिज़ाइन वाला पार्ट में क्या होगा, डेवलप इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट में क्या होगा। फेजेस आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड वन एट अ टाइम, है ना, वन बाय वन ही फेजेस हम लोग फॉलो करेंगे। और वर्क वेल विद स्मॉल प्रोजेक्ट्स, सो छोटे छोटे प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, तो कभी कभी बड़ा प्रोजेक्ट भी होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को हम लोग वाटरफॉल के हिसाब से फॉलो करते हैं। एंड क्लियरली डिफाइंड स्टेज रहेंगे, बराबर है, हर एक स्टेज पे क्या करना है प्रॉपरली पता रहेगा हम लोगों को, प्रॉपरली अंडरस्टूड रहेगा वो, एंड ईजिली हम लोग अरेंज कर सकते हैं, एंड अब जो प्रोसेस है उसका रिजल्ट भी हम लोग प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रख सकते हैं। तो ये हम लोगों का एक एडवांटेज है। और इसके आगे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना है कि वाटरफॉल मॉडल जो है, वाटरफॉल देखिए ये जो है ना सीक्वेंस कैसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है ना ये, तो वाटरफॉल जैसे अगर पानी ऊपर से नीचे गिरता है वाटरफॉल में, तो वो टॉप से डाउन तक आएगा, वापस रिवर्स में नहीं जा सकता हो। तो इसमें भी यही बोला है कि अगर मैं रिक्वायरमेंट के आगे अगर मैं सिस्टम डिज़ाइन पे आता हूँ, वहाँ से अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन पे आता हूँ, वहाँ से टेस्टिंग में आता हूँ, और यहाँ पे आके अगर मुझे पता चला कि ऊपर वाले कोई स्टेज में मैंने मिस्टेक किया है, तो आपको वापस स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा। याद रखिए, वापस यहाँ टॉप से चालू करना पड़ेगा। ये उसका जो है वाटरफॉल का डिसएडवांटेज है, आप रिवर्स में नहीं जा सकते। कुछ भी मिस्टेक हुआ कोई पर्टिकुलर स्टेज पे, यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। सो यहाँ पे डिसएडवांटेज समझते थे, नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बराबर है, जैसे मैंने आपको समझा, नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, है ना, पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। बार बार अगर आपको कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स ऐड करते रहना, जैसे फेसबुक है कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता है ना, वो स्टेटिक नहीं रहता है। नॉट सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मॉडरेट और हाई रिस्क ऑफ चेंजिंग, है ना, बार बार जहाँ चेंजेस होने वाले हैं वहाँ पे ये स्टेटिक मॉडल हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा हम लोगों को। डिफिकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस विद इन द स्टेजेस, येस कैन नॉट अकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट, है ना, वही हम लोगों ने समझा। आई होप जो भी मैंने सिखाया वो क्लियर है। नेक्स्ट जो टाइप का मॉडल है आपको जो सिलेबस में दिया है वो है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। देखिए ऊपर जैसे सिलेबस में दिया है वैसे ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिलेबस में फर्स्ट हम लोगों को क्या बोला है, वाटरफॉल मॉडल जो हम लोगों ने डिस्कस करिया, अभी क्या है प्रोटोटाइपिंग। तो नोट्स में भी मैंने ये सेम सिक्वेंस में ही रखा है जैसे सिक्वेंस में आपको सिलेबस में दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग।
सो प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप मतलब क्या, एक डमी मॉडल बनाना है ना, टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब जैसे आप अगर कहीं पे कोई कार देख लो आप, तो उसका एक बेसिक सा छोटा सा एक मॉडल बनता है, जो हम लोग लोगों को बताएंगे कि जो फिजिकल कार है, जो रियल कार है, वो बनने के बाद कैसे दिखेगा। या फिर आप कहीं पे अगर फ्लैट बुकिंग या अपार्टमेंट बुकिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पे वो बिल्डर जो है उसने एक छोटा सा मॉडल बना के रखा रहता है, जो बताएगा कि बिल्डिंग या आपका जो भी मॉल या कुछ भी है वो बनने के बाद कैसे दिखेगा। वो हम लोग एक अजम्पशन ले सकते हैं उसके, सॉरी उसके बेस के ऊपर। तो यहाँ पे भी वही है, प्रोटोटाइप इज अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्चुअल सिस्टम। सो क्या होगा, हम लोग रियल जो भी वर्क है, रियल एक जो प्रोजेक्ट है, वो बनाने के पहले उसका एक डमी मॉडल, एक छोटा सा टॉय मॉडल बनाएंगे, और वहाँ पे हम लोग समझेंगे कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो कितना डिफिकल्ट रहेगा, इजी रहेगा, फिजिबल है भी या नहीं, ये बनाना पॉसिबल है कि नहीं, विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम बनाना पॉसिबल है कि नहीं, है ना। ये देखिए, और जो भी हम लोगों को रियल मॉडल में जो फंक्शंस रिक्वायर्ड रहेंगे ना, वो सारे हम लोग यहाँ पे भी ऐड करने की ट्राई करेंगे। देखिए क्या बोला है, प्रोटोटाइप यूजुअली एग्जिबिट्स लिमिटेड फंक्शनल कैपेबिलिटी। सारे फंक्शंस तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत जो जरूरी रहेंगे, जो हम लोग डमी मॉडल में बताते हैं, उतने हम लोग डालेंगे। लो रिलायबिलिटी होता है एंड इनएफिशियंट परफॉर्मेंस कंपेयर टू एक्चुअल सॉफ्टवेयर, बराबर है। तो ये रियल सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोटोटाइप ही है ना, तो सारे फीचर्स तो वहां पे नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत सारे जो ओवरऑल ऊपर ऊपर से जो दिखने चाहिए, वो सारे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो प्रोटोटाइप इज यूजफुल व्हेन अ कस्टमर और अ डेवलपर इज नॉट श्योर अबाउट रिक्वायरमेंट्स और एल्गोरिदम्स, है ना, एफिशियंसी, बिजनेस रूल्स एंड रिस्पॉन्स टाइम एक्सेट्रा। तो अगर आपको श्योरिटी नहीं है, कंफर्म नहीं आपको पता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो वो टाइम पे हम लोग प्रोटोटाइप फॉलो करते हैं। प्रोटोटाइपिंग इज क्लाइंट इज इन्वॉल्व थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। याद रखिए, प्रोटोटाइप में हम लोग डमी मॉडल बना के बताएंगे भाई क्लाइंट को कि देखो भाई ऐसा कुछ आपका सॉफ्टवेयर बनेगा, जब भी वो रियल लाइफ में हम लोग बना के रेडी करेंगे, आप रेडी हो, आपको ये चलेगा, आप उसको चेक कर लो, ऐसे ही रहे, एग्जैक्ट दिखेगा वो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अभी हम लोग चेंज करते हैं, अदरवाइज हम लोग रियल मॉडल बनाना चालू करते हैं, ऐसे कुछ डिस्कशन होता है उनके साथ। सो यहाँ पे देखिए, हम लोग को वापस क्या बोला है, दो टर्म्स हम लोग को याद रखना है, जब भी अगर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप कैन बी यूज्ड, कहाँ कहाँ पे यूज होगा, एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग क्या होता है, एक कुछ रिक्वायरमेंट आपको बोले है, मतलब क्लाइंट ने आके बोल दिया कि भाई मुझे अपने कंपनी के लिए वेबसाइट बनाना है, लेकिन अभी उसको थोड़ी पता है कि अगर कंपनी के लिए वेबसाइट बनाना है तो उसमें क्या चीज़ें आपको ऐड करना है, ये आपको समझना होता है। तो वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होता है, क्लाइंट कुछ थोड़ा बोलेगा, उसके बेस के ऊपर हम लोग उसको ब्रॉडर वे में अज्यूम करेंगे कि हाँ अगर क्लाइंट ऐसा कुछ बोल रहा है, मतलब उसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, करंट ट्रेंड में कोई भी कंपनी का बिजनेस वेबसाइट रहता है उस पर क्या फीचर्स रहते हैं, वो भी उसको रिक्वायर्ड रहेंगे, तो उसको इंजीनियरिंग बोलते हैं। एग्जिस्टिंग चीज़ों को आपको रीमॉडिफाई करना है अपने हिसाब से, है ना। तो देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, अ प्रोटोटाइप कैन हेल्प विद एलिसिटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ अ सिस्टम रिक्वायरमेंट, इट अलाउज द यूजर्स टू एक्सपेरिमेंट विद द सिस्टम। मतलब हम लोग अलग अलग सिस्टम पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐड करेंगे, कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे, है ना। दे मे गेट न्यू आइडियाज़, जिसके बेस के ऊपर हम लोग को पता चलेगा, कुछ चीज़ हम लोग कोई शॉर्टकट वे में कर सकते हैं, कुछ चीज़ जिसका ज़रूरत नहीं उसको एलिमिनेट कर दो। सो फाइंड एरिया ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, बराबर है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है सिस्टम डिजाइन। अभी ये जो हम लोगों ने इंजीनियरिंग करके क्या किया, कुछ स्पेसिफिकेशंस बता दिए, कुछ जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों ने बता दिए, सारे को प्रॉपरली स्टडी करके, इंजीनियर करके, है ना, एड अपडेट मॉडिफाई करके उसको। अभी उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोटाइप बनाते जाएंगे, मतलब एक सिस्टम डिजाइन करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे, और जिसके बेस के ऊपर हम लोग का आगे का जो भी डिजाइन है उसका एक्सपेरिमेंट चलते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ डेटाबेस डिजाइन में भी अ प्रोटोटाइप, है ना। जैसे मैं रियल डेटाबेस डिजाइन करने के पहले मैं वहां पे एक डमी सेट ऑफ टेबल्स बना दूंगा कि हर एक टेबल में क्या कॉलम्स रहेंगे और कौन से टेबल में क्या प्राइमरी की रहेगा, क्या फॉरिन की रहेगा, और वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे। अदर नीड्स फॉर प्रोटोटाइप क्या करेंगे, ये प्रोटोटाइप बनाने का और एडवांटेज क्या रहेगा, कैसा स्क्रीन दिखेगा, यूजर इंटरफेस कैसे बिहेव करेगा, एंड सिस्टम कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ये सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। आई होप ये सिंपल है, आप पढ़ सकते हो अभी, ये डायग्राम जो है ना ये समझते। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, प्रोटोटाइपिंग है ना, ये डायग्राम याद रखना है, एस्टेब्लिश प्रोटोटाइपिंग ऑब्जेक्टिव, क्या काम है आपको, क्यों प्रोटोटाइप बनाना है।
तो उसका ऑब्जेक्टिव बनाओ और उसके हिसाब से प्रोटोटाइपिंग कैसे बनेगा उसका प्लान बनाओ, डिफाइन प्रोटोटाइप क्या क्या, ये बेसिक जो डमी मॉडल बनेगा उसमें क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से हम लोग आउटलाइन करेंगे। डेवलपिंग चालू होगा जिसमें हम लोग एक एग्जीक्यूट करके देखेंगे एक छोटा सा प्रोटोटाइप और उसको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन मीन्स क्या, जो रियल रिक्वायरमेंट दिया उसके हिसाब से वो मैच कर रहा है कि नहीं, और वो इवेल्युएशन का जो रिपोर्ट है वो आगे हम लोग डेवलपर को भेजेंगे जिसके बेस के ऊपर डिफाइन होगा कि अभी हम लोगों को रियल प्रोजेक्ट बनाना चालू करना है या नहीं। आई होप क्लियर है ये। सो यहाँ पे देखिए वो जो भी स्टेजेस ऊपर डिस्कस किए ना डायग्राम में वो सबका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आपको क्या करना है प्रोटोटाइप के लिए, दिस डायग्राम इज मस्ट। ऊपर का जो भी थियरी आप पॉइंट्स याद रख सकते हो अपने हिसाब से याद रख लो, लेकिन ये डायग्राम बहुत जरूरी है। ये डायग्राम के बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा, और ये डायग्राम के जो फेजेस है वो यहाँ पे लिख देना। आई होप क्लियर है। अभी थर्ड मॉडल पे जाते हैं, थर्ड मॉडल जिसका नाम है इटरेटिव मॉडल। अभी अगर आप देखोगे ये डायग्राम में बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम दिया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों का ये SDLC चल रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सारे स्टेजेस नहीं बताए लेकिन हम लोगों ने रिक्वायरमेंट होगा, एनालाइज होगा, डेवलपमेंट होगा और टेस्ट होगा। तो ये बेसिक से ऊपर ऊपर से बताया। अभी हम लोगों ने, मैंने क्या बोला आपको कि पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ नहीं बनाएंगे, हम लोग उस सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे टुकड़े में बनाएंगे। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे हम लोगों ने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे टुकड़े बनाए। दिस इज बिल्ड वन और इटरेशन वन, जहाँ पे हम लोग वो छोटा सा मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसका रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे। फिर उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला पार्ट चालू करेंगे, उसके रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे। वैसे ही मतलब ये एन नंबर ऑफ साइकिल चलते ही रहेगा। तो छोटे छोटे इटरेशन हम लोग फॉलो करेंगे जिसको फॉलो करके हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इटरेटिव मॉडल। आई होप क्लियर है। नाउ इटरेटिव मॉडल देखिए यहाँ पे क्या बोला, रिक्वायरमेंट में चेंज एट प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड मे टेकन केयर ऑफ नेक्स्ट स्टेज, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मैं फर्स्ट कुछ इटरेशन बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि फर्स्ट इटरेशन मैंने चालू किया डेवलप करने का, और बाद में यूजर ने बोला कि नहीं उसको कुछ तो रिक्वायरमेंट में चेंजेस चाहिए, तो मैं ये वाला जो इटरेशन ये कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन जब ये सेकेंड इटरेशन या सेकेंड बिल्ड चालू करूंगा वो टाइम पे यूजर के जो न्यू रिक्वायरमेंट है उसको मैं यहाँ पे इजिली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंजेस रहेंगे यूजर के साइड से, या बार बार अगर यूजर कुछ न्यू रिक्वायरमेंट भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? बिकॉज एक इटरेशन खत्म करो, नेक्स्ट इटरेशन में उसके जो भी अपडेटेड चेंजेस है उसको इंट्रोड्यूस कर दो। उसके साथ फीडबैक लूप रहेगा, मतलब आफ्टर एवरी इटरेशन मैं जाऊंगा क्लाइंट के पास, उसको बता दूंगा भाई ये देख लो आप टेस्ट कर लो, चेक कर लो। उसके बाद क्लाइंट अगर वो पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन चालू करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन चालू करेंगे। तो बार बार हम लोगों का क्लाइंट से इंटरेक्शन होते रहेगा, फीडबैक लूप चलेगा। रिग्रेशन टेस्टिंग इज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट ऑन ऑल इटरेशंस, है ना, वन आफ्टर अनदर। उसके आगे देखो क्या बोला है, टेस्टिंग प्लान टू अलाव मोर टेस्टिंग एट ईच सब्सिक्वेंट डिलीवरी स्टेज। अगर आप देखो कि जितने इटरेशन चल रहे हैं हर एक स्टेज पे क्या हो रहा है, हम लोगों का टेस्टिंग होते जा रहा है, एंड मोर प्रैक्टिकल देन वाटरफॉल मॉडल। क्यों? वाटरफॉल मॉडल पूरा सॉफ्टवेयर एक ही साथ बनाने की बात करता है, वहां पे हम लोग डायनेमिक चेंजेस इजी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग वो कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इसके लिए हम लोग इसको मोर सूटेबल मानते हैं एज कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल। और इसके साथ और एक जो मुझे पॉइंट बोलना है वो ये है कि याद रखिए ये वाटरफॉल सॉरी ये जो इटरेटिव मॉडल है ना, इसमें इटरेटिव मॉडल इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वाटरफॉल मॉडल। दिस इज वाटरफॉल वन, वाटरफॉल टू, वाटरफॉल थ्री एंड एन तक जा सकता है वो, एन नंबर ऑफ वाटरफॉल मॉडल्स आर अवेलेबल हियर। याद रखो इटरेटिव मॉडल क्या है, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल वाटरफॉल मॉडल के साइकिल फॉलो करते हैं। ये मेरा फर्स्ट वाटरफॉल मॉडल है, ये मेरा सेकेंड वाटरफॉल मॉडल है ना। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर फीडबैक लूप एट एवरी स्टेज इन डेवलपमेंट, रिग्रेशन टेस्टिंग इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट ऑन ऑल इटरेशन वन आफ्टर अनदर, है ना। और उसके साथ यहाँ पे क्या पढ़ा कि अगर रिक्वायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, तो उसको हम लोग जो नेक्स्ट साइकिल जो बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेज जो फॉलो करेंगे, वहाँ पे हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब एग्जिस्टिंग जो स्टेज चल रहा है उसके अंदर हम लोग वो चेंज को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे ना। वाटरफॉल में भी यही होता है, आप कुछ अभी बनाने की ट्राई कर रहे हो तो वो जो आप बनाते जाओगे वहाँ पे आपको और कुछ न्यू चीज़ ऐड नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट साइकिल में भी ऐड करना पड़ेगा। तो इटरेटिव मॉडल जो है ना, इट्स जहाँ पे हम लोग मल्टीपल इटरेशंस चलाते हैं, और हर एक इटरेशन कौन से बेसिस पे काम करेगा, वाटरफॉल के बेसिस पे। आई होप याद रखना ये बहुत जरूरी है। लिमिटेशन क्या होता है, बहुत सारे साइकिल चलेंगे वाटरफॉल के, बराबर है। एंड प्रोजेक्ट का एक फिक्स प्राइस हम लोग नहीं बता सकते, क्यों? बिकॉज मुझे नहीं पता है कि क्लाइंट साइड से कितने न्यू रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस होंगे। तो जितने इटरेशंस चलेंगे ना, पर इटरेशन हम लोग कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। मैं एक साथ ऐसे नहीं बोलूंगा कि 1 लाख 2 लाख कुछ आपका एस्टिमेशन होगा।
एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन में भी फ्रेजाइल है ना, बिकॉज बहुत सारे इटरेशन चलेंगे। तो यहाँ पे यही बेसिक दिया है, आई होप अभी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, ये जरूरी है, देखो इसको मैंने और डिटेल में बताया, ऊपर वाली डायग्राम का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, और ये अगर आप ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो फर्स्ट हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना चालू किया, यूजर नीड्स है, रिक्वायरमेंट देखा, डिजाइन बनाया, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, आर्किटेक्चर फॉलो किया, हम लोग का एक पर्टिकुलर पार्ट बना। उसके बाद देखिए एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ बना लिया है ना, ये हम लोगों ने कुछ ऑलरेडी बना लिया है, मतलब एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हम लोग के पास प्रेजेंट है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है। उसके साथ क्लाइंट साइड से कुछ न्यू रिक्वायरमेंट आए तो उसको हम लोगों ने क्या किया, उसका आर्किटेक्चर देखा, और प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर दिया था उसमें क्लाइंट के हम लोग के फीडबैक क्या है, वो फीडबैक भी हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया, और उसके बेस के ऊपर हम लोग नेक्स्ट जो इटरेशन है वो डेवलप करना चालू करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट इटरेशन डेवलप करेंगे उसमें सारे बहुत सारे रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड रिक्वायरमेंट को हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, जिसको हम लोग डेवलप करेंगे। हम लोग का एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट का डिजाइन रहेगा उसमें ये पर्टिकुलर न्यू फीचर्स ऐड करेंगे, तो आपका डिजाइन और एनहांस होगा। उसके बेस के ऊपर कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे, एक न्यू पार्ट जो है सॉफ्टवेयर का वो रिलीज होगा। आई होप समझ में आ गया, ये हम लोग का इटरेटिव का डिलीवरी अप्रोच होता है। आई होप ये सिंपल है, दिस इज द मोस्ट टेक्निकल वन जो आपको याद रखना है, और ये सब्जेक्ट आपके लिए इसलिए भी जरूरी है बिकॉज बीएससी कंप्लीट करते करते बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स होते हैं जो डेवलपमेंट से डरते हैं, तो अगर आपको डेवलपमेंट में नहीं जाना है तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हो, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन इंडस्ट्री। तो आपको टेस्टिंग में अगर जाना है तो उसके लिए आपका ये जो भी कंसेप्ट है ये क्लियर होने चाहिए, बिकॉज अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो आपको TY में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला सब्जेक्ट आएगा वो भी क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। चलिए अभी नेक्स्ट टॉक मॉडल पे जाते हैं, ये बेसिक थियरी दिया है, आप पढ़ सकते हो। अभी डाउट रहेगा तो योर डाउट आर ऑलवेज वेलकम, आप यहाँ पे जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ से आप मुझे डायरेक्टली पिंग भी कर सकते हो आगे। ओके, सो नेक्स्ट जो हम लोग मॉडल पढ़ेंगे वो है हम लोगों का RUP मॉडल, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। क्या होता है ये, देखिए रैशनल यूनिफाइड मेथडोलॉजी इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ये आपका एक कीवर्ड हो गया, मॉडर्न सॉफ्टवेयर है। देन डिराइव फ्रॉम UML डायग्राम्स, क्या होता है UML डायग्राम्स, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, एक सेकेंड ना, ऊपर ही मैंने आपको बताया था, वो मैं आपको वापस बताता हूँ UML डायग्राम का ही। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था, इसको UML डायग्राम बोलते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल वे में हम लोग के पास ये यूजर अगर आएगा या कोई पर्सन आ रहा है ATM पे, तो ATM पे कार्ड स्वाइप करेगा, फिर वो डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करेगा, वैलिडेशन कैसे होगा, ये सब कुछ हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया। तो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के UML डायग्राम्स होते हैं, ये हम लोग का एक पैटर्न है। आई होप आपने अपने प्रैक्टिकल्स में भी पढ़ा रहेगा, उसमें भी है ये, है ना। सो यहाँ पे समझते हैं अभी रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, तो वहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग इसको मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लिए यूज करते हैं ना, दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम UML। तो UML डायग्राम रहेंगे जिसको हम लोग एसोसिएट करेंगे फिर यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, है ना, वो डायग्राम्स रहेंगे, वो डायग्राम्स के बेस के ऊपर हम लोग अपना प्रोसेस आगे फॉलो करेंगे। सो RUP रिकग्नाइजेज दैट कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल्स जो है ना, इन अ सिंगल व्यू ऑफ प्रोसेस, इन कॉन्ट्रास्ट RUP डिस्क्राइब फ्रॉम 3 परस्पेक्टिव, कौन से 3 परस्पेक्टिव, मतलब ऊपर के जो भी मॉडल पड़े ना वो एक सिंगल व्यू से ही काम करते हैं कि आपको यूजर के रिक्वायरमेंट लो और काम चालू करो, यूजर के रिक्वायरमेंट लो काम चालू करो। लेकिन ये जो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है, रैशनल है ना, नाम पे से पता चल रहा है रैशनल, तो ये रैशनली वर्क कर रहा है, मतलब 3 परस्पेक्टिव से वो काम चालू करेगा। कौन से 3, एक है डायनेमिक परस्पेक्टिव, दैट शोज द फेजेस ऑफ मॉडल ओवर टाइम, कि धीरे धीरे कौन से पर्टिकुलर मॉडल के साथ कैसे हम लोग आगे वर्क करेंगे, एक डायनेमिक पर्सपेक्टिव होता है। एक स्टैटिक पर्सपेक्टिव, स्टैटिक पर्सपेक्टिव मीन्स आपके पास थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट है वो तो याद रखने हैं, उसके साथ फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है वो भी हम लोग कंसिडर करेंगे। और उसके आगे प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव, मतलब करंटली प्रैक्टिस में, करंटली बाकी कंपनीज के सॉफ्टवेयर अगर बनते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस में क्या चीज़ है उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, राइट। तो ये प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव जो है ये बहुत जरूरी है, 3 वर्ड्स याद रखने, डायनेमिक, स्टैटिक एंड प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव। अभी समझते, देखिए यहाँ पे अलग अलग फेजेस दिए, एक होता है इंसेप्शन फेज, एलोबरेट करेंगे उसको, कंस्ट्रक्ट, और उसके बाद एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांजिशन होगा। उसके आगे यहाँ पे देखिए बिजनेस मॉडलिंग होगा, है ना, स्टार्टिंग में हम लोग मॉडल बनाएंगे जिसके बेस के ऊपर हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे,
फिर उसको एनालाइज एंड डिज़ाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे, यूज़र साइड पे दे देंगे। उसके आगे फिर यूज़र कौन से टाइप के मशीन्स यूज़ करता है, उसके नेटवर्क में क्या पर्टिकुलर टाइप के मशीन्स है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसका, और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो यूज़ करने वाला है, कौन से फीचर्स जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज मैनेजमेंट। और उसके आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद एनवायरमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये अलग अलग कलर्स दिए, ये कलर्स का मतलब क्या है, देखिए पहले हम लोगों के पास इंसेप्शन मतलब चालू किया हम लोगों ने बहुत फर्स्ट टाइम पे, है ना, इनिशियल फेज है। देखिए यहाँ पे आपको दिया है इनिशियल फेज, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये हम लोगों का इनिशियल फेज है, क्लियर है। ऊपर भी ये फेजेस है, यहाँ पे इटरेशन है, तो फर्स्ट इनिशियल इटरेशन है जिसको हम लोग इंसेप्शन बोलेंगे। उसके बाद आपने एलोबरेट किया, मतलब आपको कुछ तो आइडिया मिला है ना, बिजनेस मॉडल मिला, आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, तो आपने क्या किया उसको और एलोबरेट किया, मतलब अपने हिसाब से उसके अंदर डायनेमिक क्या पर्सपेक्टिव है वो ऐड किया, प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव ऐड किया, आई होप क्लियर है। फिर उसको और आपने एलोबरेट किया, जब भी आपने कस्टमर के साथ बात किया तो उसके साथ देखिए रिक्वायरमेंट और ये बिजनेस मॉडल दोनों साइमल्टेनियस चल रहा है, और उसी के साथ हम लोग जो आपको पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो भी कुछ आपको मिला है उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन भी करते जा रहे हैं ना यहाँ पे देखिए आप, और ये डिज़ाइन के साथ उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट भी करते जा रहे हैं। तो सेकेंड एलोबरेशन तक हम लोग डिज़ाइन पे वर्क करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग उसको और अंडरस्टैंड करेंगे, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा डेवलप करते जाएंगे, लेकिन थोड़ा डेवलपमेंट चालू है। मेन डेवलपमेंट कहाँ पे चालू होता है, देखिए यहाँ पे वो हाईएस्ट है ना, मेन डेवलपमेंट यहाँ पे हाईएस्ट है, मतलब यहाँ पे हम लोगों का बिजनेस मॉडलिंग कम होता है, रिक्वायरमेंट कम होता है, और डिज़ाइन पार्ट कम होता है, और मेन हम लोग किस पे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, डेवलपमेंट पे। और डेवलपमेंट के ऐसे बहुत सारे साइकिल्स चलेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन 1-2 गोज अप टू एन, मतलब बहुत सारे इटरेशन चलेंगे, और ये हर एक इटरेशन जो चलेगा उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे, और उसके साथ डिप्लॉय करते जाएंगे ना ये हर एक छोटे छोटे पार्ट को, कहाँ पे, क्लाइंट साइड पे। देखो डेवलपमेंट वाला भी यहाँ पे पीक पे है, बराबर है, उसके आगे डिप्लॉयमेंट होगा, मतलब क्लाइंट साइड पे हम लोग उसको दे देंगे, और प्लस उसके साथ क्या होगा, कॉन्फ़िगर करते जाएंगे, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग चेक करते जाएंगे कि न्यू जो आपने कुछ पार्ट बनाया वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, और उसके आगे अगर वापस और कुछ चेंजेस की ज़रूरत है वो इंट्रोड्यूस करते जाएंगे ना, वो भी यहाँ पे हाईएस्ट पीक पे। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो तो थ्रू आउट चलते ही रहेगा, एनवायरमेंट ये तो कंटिन्यूस हम लोग मॉनिटर करते ही रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ट्रांजिशन, अभी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी पे, एक लेवल से दूसरे लेवल पे आपने ट्रांजिट किया है। आई होप ये समझ में आ गया आपको, ये आरयूपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो नीचे का थियरी भी बहुत ईजीली समझेगा। सो चलिए वो थियरी डिस्कस करते हैं अभी। सो ये जो भी हम लोगों ने फेजेस डिस्कस की है, ये सारे फेजेस का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। देखिए इंसेप्शन मतलब क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने डायग्राम में से, एलोबरेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो, ये जो चार फेजेस है, ये चार फेजेस के बारे में यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स दिए उसमें से एक एक लाइन आपको याद रखना है, वो यहाँ पे लिख लो। ये बेसिक थियोरी है आपको ये समझने के लिए। उसके बाद बाजू में यहाँ पे जो स्टेप्स दिए ना उसके, दिस आर द स्टेप्स, बिजनेस मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट, ये सारे के बारे में एक एक लाइन लिखना है, ये आपका पूरा प्रॉपर आंसर होगा, या फिर इट माइट पॉसिबल कि वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, नहीं पूछा तो आपको ओवरऑल ये वे में एक्सप्लेन करना है, बिजनेस मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन। ये तो आप देख लो कि वापस आपके SDLC के स्टेप्स आ गए ना, तो यहाँ पे वापस अलग से कुछ याद रखने की तो जरूरत नहीं है, खाली आपको याद क्या रखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट। आई होप क्लियर है। तो ये हम लोग का RUP मॉडल है, और उसके आगे हम लोग उसके 6 फंडामेंटल बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब कहाँ के हम लोग रेकमेंड करेंगे। देखिए डेवलप सॉफ्टवेयर इटरेटिवली, फर्स्ट वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ पे इंक्रीमेंटल अप्रोच चलेगा, हर बार आपको थोड़े थोड़े कुछ न्यू रिक्वायरमेंट मिल रहा है कस्टमर साइड से और उसको आप डेवलप करोगे, तो वो टाइम पे हम लोग रैशनल मॉडल फॉलो करेंगे, जहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लिसिटली एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जहाँ कस्टमर रिक्वायरमेंट को हम लोग प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं ना, चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं उसको कंटिन्यूसली एनालाइज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। कंपोनेंट्स बेस्ड आर्किटेक्चर हम लोग फॉलो करेंगे, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर सिस्टम आर्किटेक्चर जो है उसको हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स में बनाएंगे, मतलब एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर जो है उसको हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं और वो कंपोनेंट्स को ही हम लोग डेवलप करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही सेम पर्टिकुलर मॉडल हम लोग फॉलो करेंगे, और उसके आगे हम लोग के पास UML ग्राफिकल UML मॉडल्स भी रहेंगे, तो आपको ईजिली पता चलेगा कौन से मॉडल, कौन सा मॉड्यूल कैसे वर्क करेगा, कौन से कंपोनेंट में क्या चीज़ें रहेंगे, क्वालिटी वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल चेंजेस है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्या चेंजेस अभी रिक्वायर्ड है क्या नहीं है वो भी हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल्स अगर पूछे आपको तो ये वाले 6 लिखने हैं, अगर खाली RUP मॉडल एक्सप्लेन करने बोला तो ऊपर के जो पॉइंट्स बोले ना उतने ही लिखने हैं आपको। नेक्स्ट मॉडल जो है वो है रेड मॉडल, दैट इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट।
आप अगर देखोगे ट्रेडिशनल मॉडल हम लोगों का एसडीएलसी वाला है या वाटरफॉल प्लानिंग एनालाइज डिजाइन बिल्ड है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे हम लोग के पास प्लानिंग फेज है, उस बाकी के जो पार्ट है उसको कंप्रेस कर दिया हम लोगों ने। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर कोई एक वेबसाइट समझ लो पहले से बनाया है। अभी अगर मैंने ऐसा एक प्रोजेक्ट जो वापस जैसे एक फेसबुक टाइप कोई समझ लो कि कोई एक वेबसाइट बनाना है मुझे, तो ऐसा फेसबुक टाइप का वेबसाइट मैंने ऑलरेडी कोई पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए बनाया था। तो अभी कोई क्लाइंट के लिए अगर मैंने ऑलरेडी ऐसा कोई एक वेबसाइट बनाया है तो मुझे वापस पूरा कोड करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगा, वो जो ऑलरेडी मेरे पास कोड या पार्ट प्रोजेक्ट अवेलेबल रहेगा उसमें से ही बहुत सारा पार्ट मैं रीयूज़ कर लूँगा। तो जब भी मैं उसको रीयूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे वापस मुझे पूरा उसको टेस्ट या डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको कंप्रेस कर दूंगा, शॉर्ट में बाकी वाले प्रोजेक्ट के साथ ऐड कर दूंगा। इसको रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग के पास अवेलेबल रहेंगे और हम लोग इटरेटिव मॉडल फॉलो करेंगे और जो ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ है उसको डायरेक्टली रेडीमेड यूज़ कर लो और बाद में हम लोग का सॉफ्टवेयर को फटाफट से डिप्लॉय कर दो। सो यहाँ पे वही दिया है देखो, यूजेबल सॉफ्टवेयर क्रिएटेड है ना, फास्ट स्पीड पे बनाएंगे। कैसे फास्ट स्पीड पे बनाएंगे, हम लोग या तो फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे। याद रखिए फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे बहुत सारे आपके कोड जो आपको डेवलप करने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, उसको रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बोलते हैं। फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कोई फ्रेशर सिविल इंजीनियर है जिसको 10 माले का बिल्डिंग बनाना है। अभी अगर वो फर्स्ट टाइम वर्क कर रहा है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा ना एक साथ 10 माले का बिल्डिंग बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको बोल देंगे कि भाई आपके पास ये एक्सपर्ट जो सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियर्स है उनका एक टीम है, और वो एक्सपर्ट सिविल इंजीनियर का टीम क्या करेगा कि उनको वो बिल्डिंग के पिलर्स जो है, पिलर्स सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। पिलर्स अगर मजबूत रहेंगे तो आपका बिल्डिंग भी आराम से स्टैंड करेगा, बराबर है। तो हम लोगों ने एक अच्छे से मजबूत पिलर वो एक्सपर्ट जो सिविल इंजीनियर का टीम था उसने डाल दिया, और फिर वो पिलर्स के ऊपर फिर फर्स्ट सेकंड फ्लोर बना दिया, और फिर जो फ्रेशर है ना उसको बोल दिया कि देखो भाई हम लोगों ने पिलर डाल दिया, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर बना दिया, अभी इसको देख के आप ऊपर के फ्लोर बना दो, तो आपके लिए बहुत काम ईजी हो जाएगा, आपको पूरा स्क्रैच से स्टार्ट से चालू नहीं करना है। तो ऐसे ही हम लोग के पास फ्रेमवर्क होते हैं जो आपके वेबसाइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। वहाँ पे भी क्या होता है, ऐसे जो हम लोगों के एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जिन्होंने ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस फेस ईयर एंड ईयर का एक्सपीरियंस है जिनके पास और उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, तो उन्होंने ही क्या किया, ऐसे हम लोगों के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी नेसेसरी कोड जो भी फीचर्स रिक्वायर्ड रहता है ना बाय डिफॉल्ट, जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी ये सब, जहाँ पे सबसे ज्यादा एरर फेस करते हैं हम लोग के यूजर्स, तो वो सारी चीजें वो रेडीमेड आपको देते हैं। आपको खाली अपना जो बिजनेस लॉजिक रहता है उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना रहता है, और उसमें से भी बहुत सारे उन्होंने ना कोड अवेलेबल करके रखे रहते हैं, आपको खाली उसको इनहेरिट करके रीयूज करना रहता है अपने कोड में। तो इसको हम लोग रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बोलते हैं। रीयूजेबिलिटी बहुत मेनली यहाँ पे एम्फसाइज होता है। लिमिटेशन क्या है उसके, आई होप अभी आप ये पढ़ सकते हो है ना, लिमिटेशन क्या है उसके, रीफैक्टरिंग इज द मेन कंस्ट्रेंट, बराबर है। इन्वॉल्व ह्यूज साइकिल, बहुत सारे साइकिल्स चल सकते हैं है ना। इंटीग्रेशन जो है, जब भी हर एक छोटे छोटे साइकिल बनाएंगे तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ ये न्यू वाले फीचर्स ऐड करना कभी कभी बहुत ज्यादा तकलीफ वाला काम हो जाता है और ज्यादा एरर वो जनरेट करता है, वो ये सब बेसिक है, अब देख लेना। नेक्स्ट जो है वो है टाइम बॉक्सिंग मॉडल। ये टाइम बॉक्सिंग मॉडल होता क्या है, देखिए टाइम बॉक्सिंग अभी ये जो है ना ये बेसिक चीज दिया है उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, टू स्पीड अप डेवलपमेंट, मतलब आपको एक टाइम कंस्ट्रेंट बोला है, आपको बोला है कि भाई आपको एक हफ्ते के अंदर अपना काम खत्म करना है, और ये जो थियरी है ये आपको समझने के लिए दिया है मैंने। इसमें से आपको जितने पॉइंट्स याद रख सकते हैं उतने 5-6 पॉइंट यहाँ से है ना छोटे छोटे पॉइंट हाईलाइट करके फेच कर लेना अपने काम के लिए। सो टाइम बॉक्सिंग जो है वो एक स्पीड अप डेवलपमेंट प्रोसेस है, पैरेलल में बहुत सारे इटरेशंस चलते हैं हम लोग के। कैसे चलते हैं, डायग्राम पे से समझते हैं, आपको एक प्रॉपर वे समझेगा। देखिए पाइपलाइन जैसा वर्क करता है, अभी पाइपलाइन एक वर्ड याद रखना, देखिए यहाँ पे दिया है कहाँ गया, एक पैरेलल में चलेंगे और पाइपलाइन पैटर्न फॉलो करते हैं, यहाँ कहीं पे ही है एक पैरेलल में एग्जीक्यूट होंगे वो, और पाइपलाइनिंग है ना, पाइपलाइनिंग ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस और इटरेशंस। क्या होता है, मुझे बोला है कि जैसे मेरे पास 9 वीक का टाइम है, कितना है 9 वीक का टाइम है, अभी हर एक जो इटरेशन है, देखिए यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट इटरेशन है ना, टाइम बॉक्सिंग मॉडल का फर्स्ट इटरेशन है। कितने पार्ट है इसमें, फर्स्ट जो पार्ट है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, सेकेंड बिल्ड के लिए है, एंड थर्ड जो है वो डिप्लॉय के लिए है। मतलब जितना भी मेरे पास टोटल टाइम है उसको मुझे 3 से डिवाइड करना है, सो 9 डिवाइड बाई 3, बराबर है।
तो मुझे पर इटरेशन कितने वीक का टाइम मिलेगा, 9 / 3 मतलब 3 वीक। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए 3 वीक का टाइम है, बिल्ड के लिए 3 वीक का टाइम है और डिप्लॉय के लिए 3 वीक का टाइम है। आई होप आपको समझ में आया, सिंपल सा मैथ्स है ये। सेम आपको यहाँ पे भी पता चलेगा, देखो है ना, सेम चीज यहाँ पे दिया है, ये सेम आपको याद रखना है। सो देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों ने बोला कि आपको ये जो भी डेवलप करना है ना वो ऐसे पार्ट बाय पार्ट में करना है। और उसको सिंपल कैसे किया, हम लोगों ने बोला कि जितना भी टोटल टाइम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट, अभी ये जो रिक्वायरमेंट है मतलब इटरेटिव मॉडल में हम लोगों को पता है रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, देन एनालाइज करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। बिल्ड मतलब डिजाइन वाले पार्ट के बेस के ऊपर आपने बिल्ड करना चालू किया, टेस्ट किया, ये सब कुछ यहाँ पे आएगा। इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ये सब कुछ यहाँ पे आता है, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा है। अभी यहाँ पे इसमें एडवांटेज क्या है, स्पीडी डेवलपमेंट कैसे होता है, स्पीडी डेवलपमेंट के लिए हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने तीन टीम जो है ना वो काम पे लगा दिया। पहला टीम जो खाली रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करेगा, एनालाइज करो भाई, फिजिबिलिटी स्टडी चेक करो, ये सब तो मतलब उनका एक ही काम है, रिक्वायरमेंट गैदर करना, एनालाइज करना और उसको अगर प्रॉपर है तो आगे उसको डिजाइन और बिल्ड के लिए भेज देना। मेरा फर्स्ट टीम है, 3 वीक उन्होंने काम किया, उनको पता चला ये रिक्वायरमेंट प्रॉपर है, उन्होंने क्या किया डिजाइन और बिल्ड के लिए जो हम लोग का डेवलपमेंट टीम है और डिजाइनर टीम है उनको दे दिया, ये टीम फ्री हो गया। वो क्या करेगा, अभी सेकेंड वाला जो पार्ट है उसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस चालू करेगा, फिर ये जब तक खत्म करेगा है ना, 3 वीक में खत्म करेगा, तब उसके बाद सडनली फिर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले पार्ट का चालू करेंगे। तो देखिए ये जैसे ही रिक्वायरमेंट खत्म हुआ, डेवलपर टीम ने उस पर डेवलपमेंट चालू किया, तो रिक्वायरमेंट वाला टीम क्या करेगा, सेकेंड वाला जो मेरा इटरेशन है उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग चालू करेगा, और ये जब सेकेंड वाले का खत्म होगा तब तक मेरा जो फर्स्ट वाला जो डेवलपमेंट था ना वो खत्म हो जाएगा। तो मेरा डेवलपमेंट टीम क्या करेगा, सेकेंड बिल्ड करना चालू करेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट टीम ने सेकेंड इटरेशन का भी रिक्वायरमेंट एनालाइज और वो सब खत्म कर दिया है ना। फिर यहाँ पे एक टीम जो है वो डिप्लॉयमेंट का काम करेगा, तो फर्स्ट बिल्ड होके डिप्लॉय होने आ गया, जैसे ही वो काम खत्म होगा फिर सेकंड डिप्लॉयमेंट पे जाएगा, थर्ड डिप्लॉयमेंट पे जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये पैरेलल में चल रहा है ना। फर्स्ट जैसे ही फर्स्ट रिक्वायरमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट टीम ने जैसे अपना पहले पर्टिकुलर इटरेशन का रिक्वायरमेंट गैदरिंग खत्म किया, फिर इमीडिएटली वो कहाँ पे जाएंगे, सेकंड पे, सेकंड खत्म हुआ वैसे थर्ड पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब ये मेरा फर्स्ट वाला पार्ट बिल्ड हो रहा है वो टाइम पे हम लोग सेकंड का रिक्वायरमेंट गैदरिंग चालू करेंगे, ये जब तक डिप्लॉय होगा तब तक सेकंड का बिल्ड वाला पार्ट चालू हो जाएगा। तो इसको हम लोग टाइम बॉक्सिंग मैनर बोलते हैं, जहाँ पे स्पीड में डेवलपमेंट होता है। उसको और समझते एक बार, देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट टीम रहेगा जिसका काम क्या है, रिक्वायरमेंट एनालाइज करना। जैसे ये कर रहा है वैसे ही क्या होगा, देखिए ये क्या कर रहा है, वन बाय वन जितने भी फेजेस है हर एक का रिक्वायरमेंट ही गैदर करते जा रहे हैं, और इनका फर्स्ट रिक्वायरमेंट गैदर करके खत्म हुआ तो उसको ये लोग बिल्ड करेंगे, फिर जैसे इनका सेकेंड वाला खत्म हुआ तो ये उनको सेकेंड वाले को बिल्ड करने लगेंगे, फर्स्ट का बिल्ड खत्म हुआ तो उसको ये लोग डिप्लॉय करना चालू करेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना, तो हर एक तीन टीमें हम लोग के पास, रिक्वायरमेंट वाला, बिल्ड वाला, डिप्लॉयमेंट वाला, जो सीक्वेंस में काम करेंगे, जिसको हम लोग पाइपलाइन अप्रोच बोल रहे हैं। पाइपलाइन अप्रोच क्या, फर्स्ट इटरेशन जो चालू हुआ है सबसे पहले वो आया प्रोसेस में, वही सबसे पहले बाहर निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड अगर बाद में आया तो उसके बाद ही बाहर जाएगा ना, इसके लिए पाइपलाइन अप्रोच बोल रहे हैं। और पैरेलल में चल रहे, देखिए सब साथ में चल रहे है ना। आई होप आपको टाइम बॉक्सिंग समझ में आ गया, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत पार्ट है आप देख लेना अभी। और ये हम लोगों का जो है ना लास्ट वाला पार्ट है, अजाइल वाला, थोड़ा सा ये पार्ट बड़ा है, एक छोटा सा लेक्चर होगा। और नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें मैं ये यूनिट वन का, देखिए यहां तक का पार्ट हम लोगों का हो गया, यूनिट वन का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया है ना, ये वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला पार्ट भी हो गया हम लोगों का। तो यूनिट वन हम लोगों का इतना पार्ट हो गया, अजाइल वाला प्रोसेस जो है ना बहुत छोटा सा पार्ट है। मेरे पास थोड़ा अभी मुझे टाइम कम है, तो मैं इसके लिए अजाइल वाला पार्ट जो है ये, और यूनिट टू ये सेम जो है ना ये वाला पार्ट, ये दोनों मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।